वेलकम टू दी वॉइस नाउ. आज मैं हूँ लमदंग पे कुछ स्पेशल फीचर्स स्टोरी को लेके. कहते हैं कि सीखने के लिए उम्र का कोई सीमाएँ नहीं होती, लेकिन उसी तरह आज काफ़ी अच्छे एग्जांपल है. हमने पता किया कि हमारे जो इस कमिंग से एक पैराग्लाइडिंग यंगेस्ट पायलट है और हमारे इस कमिंग से है और बामिंग एरिया से है, अरुणाचल प्रदेश से है डेफिनेटली. तो आपको उसको मिलवाते हुए मैं काफ़ी फील प्राउड कर रही हूँ. तो लेट ना करते हुए चलिए सीधा उनसे मिलते हैं. आपका नाम? मेरा नाम अली तरा है. अली, आपका उम्र कितना है? मैं 13 ईयर्स है. 13 ईयर्स हो ना, तो पढ़ाई करते हैं आप? हाँ करते हैं, लेकिन अभी तो चोर के रखा है. ये क्यों, क्या हो गया था, क्यों छोड़ रहा है? ये जब से यहाँ मैं पैराग्लाइडिंग में घुसा हूँ तब से थोड़ा चुप गया, वो चोर के रखा है. हाँ हमने देखा आप पैराग्लाइडिंग आपका करते हुए, जब आप टेक ऑफ कर रहे थे, जब आप लैंडिंग कर रहे थे, जब आप ऐसा करते हैं तो कैसा फील होता है? मतलब सुकून मिलता है, डर लगता है, कैसा फील होता है? जब टेक ऑफ कर उड़ रहा होने से बहुत मज़ा मिलता है, पूरा नज़ारा देखने मिलता है, शांति होता है देखने से. तो कैसे घुस गए, कब से घुसा और कैसे घुस गए पैराग्लाइडिंग पे? और हम 2023 में घुसा था और मेरा जान पहचान आदमी एडमिशन ऐसे करने का घुसी. आपका मतलब खुद से गुस्सा है, जो जान पहचान है उनको एडमिशन करने दिया है, उसके बाद अभी मतलब आप सीख रहे हैं. तो आपका जो यहाँ पे कोर्स भी कर रहे थे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गए, तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी फर्स्ट टाइम में तो जब करते समय ऐसे होगा तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी तो मालूम है, अभी हम ऐसे कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. तो अभी सुनने में आया कि आपको हिमाचल भेज रहे हैं आगे ट्रेनिंग के लिए, कि आपको यहाँ के जो विजय सोना में चेयरमैन है उसके अंदर में ही आपने ट्रेनिंग लिया, राइट? हाँ वहाँ में ही लिया है, लेकिन अभी हम हिमाचल भेज जा रहे हैं. कैसा फील हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है कि हिमाचल जाएगा, वहाँ पर और ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छा से सीखने मिलेगा, उसके बाद अच्छा पायलट बन के आएगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है? हाँ आज से खुशी भी हो रहा है, वहाँ जा रहा है, इसका ट्रेनिंग अच्छा से करेगा. ओके. तो अभी सुनने में ये भी है कि जो इंडिया के यंगेस्ट पैराग्लाइडिंग पायलट था उनका 16 ईयर्स था, जो था पुणे से था वो, और आपका अभी 13 ईयर्स है. तो अभी आप यंगेस्ट इंडिया के यंगेस्ट पैराग्लाइडिंग पायलट बनने जा रहे हैं, तो क्या क्या फील है, कैसा है, मतलब क्या एक्साइटमेंट है? जान के फील प्राउड, मतलब खुद को प्राउड फील हो रहा है? हाँ बहुत प्राउड फील हो रहा है. प्राउड फील हो रहा है. तो आपको पता था कि आप यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट होगा? शुरुआत में तो मालूम नहीं था, लेकिन ये जब मिडिल में आते तो मालूम हो गया हम यंगेस्ट पायलट बने. तो आगे क्या सोचा, हिमाचल जब ले जाएगा तो मतलब कुछ टारगेट रखा है कि वहाँ पे हम सीखने का, बाद में ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ टारगेट रखा है? बहुत कुछ दिमाग में तो टारगेट रखे हैं. बता सकते हैं अगर बताना चाहते हैं तो? अभी उसे देखो कैमरा, उसे हाँ उसे देखो, क्या सोचा है, मतलब एक 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 पोर्शन से बता दो. उड़ के ऊपर उड़ना, हवा को मीन्स की ऐसे फील ऐसे करना, ऐसे टेंडम ऐसे करना. टेंडम करना है. अच्छा पैराग्लाइडिंग का बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग का चीज़ क्या क्या मालूम है आपको अभी तक? अभी तक तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल रहा है. क्या क्या मतलब क्या मिल रहा है? टेंडम करना है और B16 ऐसे, अभी तो आधा तक पूरा तक तो मालूम नहीं, लेकिन B16 AP ऐसे तक तो थोड़ा मालूम है. तो अभी आप जो सीखने जा रहे हैं वो कौन से सेक्शन में? अभी शायद बी में. ये आप तो इतना यंग है, अभी जाएगा फिर जाएगा फिर अकेला हो जाएगा, आपका फैमिली और फ्रेंड को मिस करेगा? हाँ अभी भी मिस कर रहा है, जा रहा है बोल के मन में, और भी मिस करेगा, लेकिन अभी वहाँ में पहुँचने के बाद वो सबको थोड़ा भूलने करेगा, अपना ये करने में ध्यान देगा थोड़ा. तो अपना दोस्त लोग कुछ बोलना चाहेगा? नहीं हो जाएगा. चलो हम आशा करते हैं कि आप काफ़ी सक्सेस पाओ, और जो जितना भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अच्छा से ट्रेन करने के बाद एक यंगेस्ट
अच्छा पैराग्लाइडिंग पायलट हमारे अरुणाचल से उबर के आए जो कि आप है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू सो मच अली.